नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू त्रिभंग। ओडिसी नृत्य में कुछ खास डांस पोजीशंस होते हैं और उनके अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं। अभंग वो पोजीशन है जहां द बॉडी टिल्ट्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर। सभंग वो है जहां शरीर दोनों पैरों पर पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और त्रिभंग वो पोजीशन है जहां शरीर का ऊपर और नीचे का हिस्सा ऑपोजिट डायरेक्शंस में टिल्ट होता है। अनु यानी काजोल, जो ओडिसी डांसर है, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों को डांस पोजीशन से समझती है। अनु की माँ मशहूर लेखिका नयनतारा आपटे यानी तन्वी आज़मी जिंदगी को अभंग पोजीशन से जीती है। जब उनकी ससुराल में नहीं बनती तो वो घर छोड़ देती है, जब दूसरे पति के साथ नहीं बनती तो उसको तीसरा मिल जाता है, और जब तीसरे रिश्ता बिखर जाता है तो शी फाइंड सोलेस इन अल्कोहल। अनु की बेटी माशा यानी मिथाली पालकर अपनी जिंदगी सभंग पोजीशन में रहती है, परफेक्टली बैलेंस्ड। माशा का रिश्ता अपने आजी आजोबा आत्या मामा और पति के सारे छोटे बड़े रिश्तेदारों के साथ परफेक्ट है। एंड फाइनली काजोल दैट इज अनु, एक्टर, डांसर, सिंगल मॉम, कॉन्ट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी, यानी जिंदगी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी त्रिभंग पोजीशन में रहती है। फिल्म का प्लस, फिल्म की लिखावट, ट्रीटमेंट, कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम्स, लोकेशंस, प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी। फिल्म का माइनस, कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, जैसे वन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई काजोल्स फादर डज नॉट वॉन्ट हर बैक। कुछ इश्यूज एग्जैजरेटेड लगते हैं, जैसे 1986 में सिंगल वुमेन और वर्किंग वुमेन वॉज नॉट सच अ बिग इश्यू। फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड गेट अ लिटिल टीडियस, क्लाइमैक्स इज प्रेडिक्टेबल और टू मेनी फोर लेटर वर्ड्स अननेसेसरी, जो शायद नेटफ्लिक्स की प्री रिक्विजिट है। रिश्तों में हम चाहे कितना भी ध्यान, समय और प्यार क्यों न दे, कोई ना कोई कसर हमेशा रह जाती है। त्रिभंग ऐसे ही रिश्तों की कहानी है जिसे आप अपनी माँ, बेटी और उस पूरे परिवार के साथ देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। त्रिभंग को स्पेशल बनाती है तीन औरतें, दो कैमरा के सामने, तन्वी आज़मी और काजल इन अ परफेक्टली नेचुरल परफॉर्मेंस, और एक औरत राइटर डायरेक्टर रेणुका शाने बिहाइंड द कैमरा। मैं भावना सुमाया त्रिभंग को बिग रेटिंग्स देती हूँ, 3.5 स्टार्स। 92.7